जिसे तुम विष्णु कह रहे हो या जिसको तुम शिव कह रहे हो, ये शिव होवे या विष्णु होवे, ये उसी ब्रह्म सत्ता की एक लहर ही तो है। माने पानी, जल, नीर, तोय, H2O, वाटर, क्या फर्क पड़ता है? एक ही सागर में छोटी लहर, बड़ी लहर, छोटी बूंद, बड़ी बूंद, छोटी झाग, बड़ी झाग, तो आकार भिन्न भिन्न होने पर भी जल तत्व तो एक ही है। तो विष्णु होए, शिव होए, अथवा कोई अन्य होवे, डजंट मैटर्स एट ऑल, है तो एक ही ब्रह्म सत्ता से सब। पर हम शरीरधारी सिर्फ शरीरों को समझते हैं, इसलिए हम भगवान को भी एक शरीर रूप ही देखना चाहते हैं। हम कहते भगवान भी तो कोई शरीर ही होगा, तो उसका दर्शन मुझे कब होगा? अब फिर उसमें भी आपकी चॉइस होती है कि ऐसा ही दिखे, वैसा नहीं दिखे मुझे। तो जैसे छोटे बच्चे को मैंने कल भी कहा था, वर्णमाला सिखानी हो तो चित्रों से शुरू होते हैं, और धीरे धीरे जैसे बच्चा प्रौढ़ होता जाता है तो चित्र छोटे हो जाते हैं और अक्षर बड़े हो जाते हैं। माने फिर से मैं कबूतर पे जा रही हूं, का कबूतर, पहले था कबूतर बड़ा और का छोटा, और फिर धीरे धीरे कबूतर छोटा हो जाएगा और का बड़ा हो जाएगा, और फिर एक समय आएगा कि कबूतर वाले सब चित्र हट जाएंगे और सिर्फ सिंपल क क ग घ ये लिखा हुआ रह जाएगा। फिर दो दो अक्षरों का जोड़ बना के बच्चा शब्द बनाना सीखता है, फिर शब्द शब्द जोड़ के वाक्य बनाना सीखता है, और फिर वाक्य वाक्य जोड़ के निबंध लिखना सीख जाता है, राइट? ऐसे ही मानव बुद्धि जानना जब चाहे कि भगवान कहाँ, भगवान कैसा, तो उन्होंने कहा कृष्ण है भगवान। कैसा है भगवान? बोले शिव है भगवान। एक मजेदार बात सुनाती हूँ। स्वामी राम तीर्थ बड़े अद्भुत वेदांत के श्री महात्मा ये हुए थे। तो एक बार स्वामी राम तीर्थ से किसी ने पूछा, क्या प्रमाण है कि परमात्मा है? प्रमाण क्या है? व्हाट इज द लॉजिक रैशनैलिटी दैट गॉड एग्जिस्ट? व्हाट इज द आर्ग्यूमेंट दैट गॉड एग्जिस्ट? तो स्वामी राम तीर्थ कहते, मैं ही प्रमाण हूं कि परमात्मा है, मेरे से और बड़ा कोई प्रमाण हो नहीं सकता, मैं ही प्रमाण हूं, तो हो सके तो मुझे देखो। तो उस आदमी ने कहा, बड़ी ये तो बड़ी इगोइस्टिक अहंकार वाली बात लग रही है, आप कह रहे मुझे देखो। राम कहते, बिल्कुल मुझे देखो, क्या देख रहे हो? बोले, एक मनुष्य है जिसने भगवे कपड़े पहने हैं, जिसका सिर मुंडित है, जिसका नाम स्वामी राम तीर्थ है, मैं उसको देख रहा हूं। स्वामी राम कहते, नहीं बेटा, ये तो तुम अन्नमयी कोष को देख रहे हो, ये तो शरीर को देख रहे हो। मैंने कहा मुझे देखो, और मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं। देखो, ज्ञान की पहली क्लास ही यही है कि मैं देह नहीं हूं, ना हम देह, ना मम देह, ना ये शरीर मैं हूं, ना ये शरीर मेरा है, ये शरीर तुम्हारी पहचान नहीं है, मुझे देखो, कौन हूं मैं? कहते, अच्छा, अगर आप ये शरीर नहीं है तो ये जो बोल रहा है वो मन आप हैं? स्वामी जी कहते, नहीं, ये मन भी मैं नहीं हूं, मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम, न च श्रोत्र जिह्वे, न च घ्राण नेत्रे। ये घ्राण नाशिका मैं नहीं, ये नेत्र मैं नहीं, ये मन मैं नहीं, ये बुद्धि मैं नहीं, चित्त मैं नहीं, अहंकार मैं नहीं। तो भगत जी मुझे देखो, मैं प्रमाण हूं परमात्मा का, मन नहीं। मन को मत देखो। तो आदमी कहता है कि भाई साहब, फिर तो हमें आपकी कोई समझ नहीं है कि आप कौन हो। शरीर कह रहे हो आप नहीं है, स्वामी राम तीर्थ जिसका नाम है आप कह रहे हो वो मैं नहीं हूं, मन बुद्धि आप कह रहे हो मैं नहीं हूं, जो दिख रहा है वो तुम हो नहीं, तो फिर जो तुम हो उसका मुझे पता नहीं। स्वामी जी बोले, बस यही तो चक्कर है, चूंकि तुम्हें अभी मेरा ही पता नहीं है इसलिए भगवान का भी पता नहीं है, और तुम मेरा पता लगाना चाहो तो तुमको अपनी देह, अपने मन, अपनी बुद्धि, अपने चित्त के अंतर
तुम कैसे हो उसको देखने की समझने की चेष्टा करनी होगी. पर आसान जवाब मैं यही दे रहा हूं कि परमात्मा के होने का प्रमाण मैं ही हूं. मैं दूसरी तरह भी कह सकती हूं, परमात्मा के होने का प्रमाण आप हो. मैं कहूं या तुम कहूं कोई फर्क ज्यादा नहीं है. मिट्टी के तुम लोगों के शरीर सबके अलग अलग. हाँ, तुम्हारे इन शरीरों के अंदर जो मन है वो सबके अलग अलग, एक से कहाँ है. आपके सबका बुद्धि अलग अलग, पर इस बुद्धि और मन के आधार में जो चैतन्य स्वरूप है वो तो एक ही है. तो जो तुम्हारा अस्तित्व है वो मूल रूप से सच्चिदानंद ही है, और कोई है ही नहीं. पर जब तुम अपने आप को मात्र देह मानते हो, मात्र स्त्री या पुरुष मानते हो, तो ये तो ऐसा ही हो गया जैसे छोटे बच्चे को नया फ्रॉक पहनाया और वो फ्रॉक कितना अच्छा है वो सबको पूछे, मैं कैसी लग रही हूं. एक्चुअली वो किसके बारे में पूछना चाह रही है? अपनी फ्रॉक के बारे में. पर वो क्या कहती है? मैं कैसी लग रही हूं. अच्छा, आप तो जैसे ये सब बोलते नहीं, तुम भी नई साड़ी पहन लो, पैठनी साड़ी, तो सबको पूछती फिरती है ना, मैं कैसी लग रही हूं. तब भी ये नहीं कहते हैं कि साड़ी कैसी लग रही है. देखिए, हमारा प्रश्न गलत है. तब भी आप क्या कहते हैं? मैं कैसी दिख रही हूं. नया कुर्ता पैजामा धोती पहना हुए, सिल्क का, और जैकेट अच्छी सी पहनी हुई, टोपी अच्छी सी लगाई हुए, कपड़े सुंदर हैं, तो क्या मानता है मैं सुंदर हूं. पर हम अपने ऊपर ही इतना अविश्वास करते हैं, इसलिए हम दूसरों से पूछते हैं कि बताओ हम कैसे लग रहे हैं, बताओ हम कैसे लग रहे हैं. और ये बड़ा खतरनाक प्रश्न है जब कोई स्त्री तुमसे पूछे कि बोलो मैं कैसी लग रही हूं. अगर तुमने कहा तुम मोटी लग रही हो तो वो रोएगी और डिप्रेशन में जाएगी और कहेगी हाँ हाँ अब तो मैं तुम्हें सुंदर नहीं लगती हूं. अगर तुमने कह दिया कि नहीं तुम बड़ी अच्छी लग रही हो और पतली लग रही हो, तो वो अंदर से जानती है वो मोटी है, तो कहती है अच्छा झूठ बोलते हो मुझसे. तो क्या बोले पति? पूछे ना मैं कैसी लग रही हूं, वो कह रहे जैसी है वैसी ही लग रही है. कैसी है ये तू जानती है, तो जैसी है तू वैसी लग रही है, और मुझे तो बस प्यारी ही लगती है. इससे अधिक या इससे कम कुछ ना बोले पतिदेव तो वो संभला रहेगा, नील भी फाइन, अदरवाइज घर में महाभारत छिड़ जाएगा. कपड़ा पहना शरीर ने, पर आप मानते हो मैं सुंदर हुआ. जैसे कपड़े से आसक्ति हो जाती है और कपड़े को मैं मानने लग जाते हैं, ऐसे ही आपने इस शरीर रूपी कपड़े को मैं मान लिया है. देह मैं हूं ये मान लिया, देह मैं हूं ये तुमने बहुत पक्के से मान लिया. इसलिए मैं बूढ़ा हूं, मैं जवान हूं, मैं सुंदर हूं, मैं मोटा हूं, मैं पतला हूं, मैं काला हूं, मैं गोरा हूं. तो शरीर की पहचान को अपनी पहचान बना लिया है, जो कि सत्य नहीं है. अब देखिए, कबीर कहते हैं काहे से नेह न करना. और आपका सबसे ज्यादा नेह मालूम किससे है? अपने आप से. इतना प्यार है तुम्हें इस शरीर के साथ कि कभी कभी गरीबी के मारे भारत में घटनाएं घटी हैं, घटती हैं, आज भी घटती हैं. और वो ये है कि माँ ही अपने बच्चे को बेच देती है, 2000 रुपए में अपना बच्चा बेच देती है. क्यों? ताकि वो उस 2000 से जो उसके बाकी 2 बच्चे हैं उनका वो पेट भर सके और अपना पेट भर सके. आवश्यकता पड़ने पर, जरूरत पड़ने पर मनुष्य सबको त्याग सकता है, लेकिन जो अपने शरीर की आसक्ति है ये हम कभी भी नहीं छोड़ पाते, ये हम कभी भी त्याग नहीं पाते. तो मैं सबसे पहले, अपना आप सबसे पहले लगता, इस देह से जो नेह है, और ये नेह ही तो तुम्हें मृत्यु का भय देता है.
मैं मर न जाऊं ये बहुत बड़ा भय है और मेरे परिवार के लोगों को कुछ हो न जाए ये भी एक बहुत बड़ा भय है। मैं अभी पत्र देख रही थी तो एक आया है, महिला ने पूछा कि मुझे एक ऐसा मुश्किल रोग हो गया जिससे मेरे सारा जीवन बदल गया, इलाज भी हो गया, मैं स्वस्थ भी हो गई, पर अब मेरा सारा कॉन्फिडेंस चला गया है और मैं छोटी छोटी बात पे अब डरती हूँ, घबराती हूँ। जिन चीज़ों को मैं पहले इग्नोर कर देती थी लेकिन अब छोटी छोटी चीज़ से मैं परेशान हो जाती हूँ और छोटी सी भी असफलता बर्दाश्त नहीं होती है। मैं इससे बाहर आना चाहती हूँ और आपकी सहायता चाहती हूँ। अब जब रोग आया और मान लो डॉक्टर ने कहा कि वट एवर सम डिफिकल्ट डिजीज ये आपको हो गया है, कहो कैंसर था, कहो कोई सीवियर माइलाइटिस था या कोई हार्ट का तकलीफ आ गया था और आपको पता चला कि अरे तो किसी भी समय प्राण निकल सकते हैं और इलाज जरूरी है और आप डर जो आया अंदर उस डर से इलाज तो हो गया, शरीर ठीक भी हो गया, पर ये भय अभी भी भीतर बैठ गया कि किसी भी समय कुछ भी हो सकता है। स्वस्थ शरीर जब रोगी हो जाता है ना, माने हम मानते हैं हम स्वस्थ हैं एंड सडनली वी कम टू नो के वी आर नॉट, तो ये एक बड़ा झटका होता है। आदमी सबसे लड़ ले पर जब अपने ही शरीर में कोई ऐसा असाध्य रोग हो जाए तो उस रोग के सामने वो घुटने टेक देता है। मुझे याद आ रही है मेरे एक शिष्य, वो पांडिचेरी में रहती थी, उनके बच्चे को एमएस हो गया, मस्कुलर डिस्ट्रोफी। उसमें जो मांसपेशियां हैं उसकी ताकत खत्म होती जाती है और वो सिकुड़ते चले जाते हैं, तो टांगे चलनी बंद हो गई, बाहें चलनी बंद हो गई और उसके आखिरी हिस्से में क्या होता है, हृदय एक मांसपेशी का टुकड़ा ही तो है, तो मांसपेशियां जब हृदय की संकुचित होने लग जाती हैं तो फिर वहाँ पर आकर के मृत्यु हो जाती। तो काफ़ी पीड़ा में वो बच्चा रहा, 16 साल की आयु में, पिछले 13 वर्ष की आयु से लेकर 16-17 साल की आयु तक वो बिस्तरे पे था, माँ सेवा करती रही, सब देखभाल करती रही, माँ भी विधवा थी, अकेली थी, पुत्र की करती रही शायद। और उसी समय में उन्होंने मुझे सुना और फिर संपर्क किया, फिर मिलने आई और फिर मैंने जब उनसे ये बात स्पष्ट की कि देखो देह पहली बात नित्य नहीं है, दूसरी बात देह हमारी नहीं है, तीसरी बात देह प्रकृति जनित है, चार देह आपको आपके कर्म अनुसार मिलती है, माँ बाप बच्चे के शरीर को तो पैदा कर लेते हैं लेकिन उसका भाग्य नहीं बना सकते, वो बच्चा अपनी प्रारब्ध लेके आया है और उस प्रारब्ध का भोग भोगना पड़ता है, भले तुम योगी हो जाओ, साधु हो जाओ, सन्यासी हो जाओ, भले तुम ग्रस्त रहो के भोगी रहो, ये प्रारब्ध का खेल बड़ा खतरनाक है। रामकृष्ण परमहंस, रमन महर्षि, दोनों को कैंसर हुआ था और उस समय पर कोई इसका उपचार भी नहीं होता, एक काइंड ऑफ लाइलाज होते थे, बड़ा भयंकर कष्ट पाया। रामकृष्ण की पीड़ा देख के तो विवेकानंद रोने लग जाते थे और एक दिन कहते कि आप अपनी काली माँ को बोलो ना कि आपको वो स्वस्थ कर दे, आप उसके भक्त हो, कहो उससे। रामकृष्ण उठ के बैठ गए और कहते हैं जो मेरी माँ है वो तेरी भी तो माँ है, जा तू जाके कह, मैं नहीं कह सकता हूँ, तुम जाओ कहो। कहते ठीक है मैं जाता हूँ। वो गए मंदिर में, कहते जब सीढ़ियाँ चढ़ के भीतर प्रवेश किया, माँ का दर्शन किया और दर्शन, और मैं बतला देना चाहती हूँ कि विवेकानंद का संन्यास से पूर्व नाम नरेंद्र था और नरेंद्र एक नास्तिक व्यक्ति थे और अपनी इसी नास्तिकता के चलते ही वो अलग अलग महात्माओं को जाके प्रश्न करते थे कि भी ऐसे ही खामखा भगवान भगवान क्यों करते हो, क्या है भगवान, क्या है प्रमाण। और इसी संदर्भ में वो एक बार रामकृष्ण तक भी पहुंचे, पर रामकृष्ण के पास बैठते 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 बैठते
कुछ रामकृष्ण से प्रेम हो गया और प्रश्न उत्तर करते करते कुछ वहीं टिके रह गए. और वो देखते थे हर बार ये कि मंदिर में जाते हैं और ये भाव में चले जाते हैं और समाधि में हो जाते हैं, ये क्या हो रहा है इनको. चले गए मंदिर में, प्रवेश जैसे ही किया, प्रणाम जैसे ही किया, देवी का दर्शन जैसे ही किया, लेकिन कुछ अकस्मात ऐसी घटना घटी कि उनका मन एकदम मौन हो गया. वहीं बैठ गए, ध्यानस्थ हो गए. कई घंटे बाद आंख खुलती है, उठ करके वापिस आते हैं, ठाकुर रामकृष्ण को प्रणाम करके बैठ गए. ठाकुर पूछते हैं, फिर कह आया माँ को? नरेंद्र ने सिर नीचा कर लिया, कह रहे नहीं ठाकुर, मैं कुछ बोल ना पाया क्योंकि वहां जाते ही मेरा मन स्तब्ध हो गया, मेरा मन निर्विचार हो गया. और चित्त में बस यही एक बात आई कि जिस शक्ति से समस्त जगत चल रहा है, उस शक्ति को मैं जाकर के क्या सुझाव दूं कि तू ये कर या ये ना कर. तू क्या हम कहते हैं रोज के सूर्य इतने बजे उगाओ, चांद इतने बजे लाओ, सितारे इतने बजे आओ, ऋतु इतने बजे आओ, इस समय पे आओ, बारिश करो नहीं करो.